टायर स्लिप हो गया अभी। ओके इमरान भाई अगर गिर सकते हैं ना, मैं तो थक गई रे भाई साहब। फीलिंग ऑफ एन अचीवमेंट, पहुंच गए हम। वो बाकी बॉयज खड़े हैं, दे आर अनलॉकिंग द ड्रोन क्योंकि एयरपोर्ट पास है। जितना इस बंदे ने इस ट्रिप पे ड्रोन उड़ा लिया ना, मुझे लग रहा है ये पिछले जन्म में या तो खुद परिंदा था या अगले जन्म में अपने आप पे पर लगवा के खुद उड़ा करेगा। जितना सुनती आंखों देखती कानों को सलाम। टुडे इज सपोजिटली टू बी द लास्ट चांस कर दूँ, कल कपड़े हैं और आज आखिरी दिन है। वैसे हमारी फ़्लाइट 24th की है, बट ट्राई करेंगे कि 23rd को हम वापस लाहौर इस्लामाबाद जा सकें। बर्फ़बारी देखने आए थे, बर्फ़बारी तो नहीं लेकिन बर्फ़ ज़रूर हमने काफ़ी देख ली और आज काफ़ी क्लियर है। जैकन सी के धूप भी पै रही है मेरे मुँह पे। आज बस नाश्ता करके हम जाएंगे चूंदा वैली। थोड़ा हाइट पे है, वॉक शॉक ट्रैक चेक करना पड़ेगा, बट आई होप कि हम सर्वाइव कर पाएँ। और पूरी वैली का भी आता है दिखाएंगे, साथ रखेंगे। लेकिन तैयार हो गए हम चुंदा वैली की तरफ। गामजन है, मुजम्मिल भाई के मुताबिक थोड़ी बर्फ़ ज़्यादा है तो बूट हमारे परफेक्ट हैं उसके लिए। ईलो जैकेट भी हमने पहन ली, नीचे फिलहाल एक हमने वो स्वेटशर्ट पहनी है, वहाँ जरूरत पड़ी तो हुडी साथ रख ली है। तो अभी पहन ली, लेट्स गो। मुजम्मिल बर्फ़ ज़्यादा है उधर? हाँ जी। कितने कितने हैं हमारे? तकरीबन फिट। अच्छा ये बूट सही है? परफेक्ट। तू आगे बैठा है? हाँ। अच्छा मुझे नज़र नहीं आया, तू छोटा ना काफी। इतना रश। रसी बने स्कर्दू का इतवार बाजार देखने का मौका मिल गया। 4 किलोमीटर। रोड्स अ लिटिल शेकी एंड बम्पी बट स्केरी रोड्स लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। उन्होंने प्रॉपर प्लास्टर्स रखे हुए। इससे पहले जब मैं चुंदा आया था इमरान भाई के साथ ही आया था, तो उन्होंने सीधे पहाड़ पे कह दिया कि बस चढ़ो, चेक करें। बिल्कुल ही सीधा पहाड़ है। और फिर मैं और राव चढ़े, कोई नहीं आज ये ड्रोन उड़ाने का सोचा था हमने, बट बिल्कुल बैक साइड पे ना एयरपोर्ट है तो उसके लिए हमें अनलॉक करना पड़ेगा ड्रोन पहले, और अनलॉक करने के लिए इंटरनेट चाहिए, और इंटरनेट ऊपर जाके आएगा तो फिर उड़ाएंगे। लेकिन वहाँ पे गाड़ी हमें थोड़ी ना आगे ये कि आगे ना कौन सा वाला पहाड़ चढ़ना है? ये सामने सामने ये सीधा स्ट्रीट पे क्रॉस करना है आगे ना। नन भाई आगे व्यू है कि सामने इंडस भी है आपके एयरपोर्ट। व्यूज भी जरूरी है लेकिन ये भी नहीं ना अपने आप को हल्का ऑन करके ले जाना है। तो फुटबॉल की तरह ना आ रहा हूं वापस, ये फुटबॉल की तरह रोल होते हुए डायरेक्ट ही वैली में। मैं नहीं लगता मुझे लाहौर जाके ठंड लगेगी, जितनी ठंड मैं देख ली ना। उतरे हम टायर स्लिप हो गया अभी उस साइड पे। हमने पहले पीछे को करना है रिवर्स है, अभी रिवर्स। ज्यादा गहरी तो नहीं यहाँ पे? ख्याल से स्लिप होगा। मैं इनको हार्ड डालने लगा था तो प्योर कांटे हैं। गाड़ी मोस्टली उस तरफ स्किट हो रही है, उस तरफ ऊपर आने की तरफ आ जा नहीं रही क्योंकि वो रोड से उतर के कच्चे में जा चुकी है। बिस्मिल्लाह। वैसे या नान भाई बिस्मिल्लाह। चेन टाइप वगैरह है कुछ? इधर वजन डालते हैं। और तेरा वजन ज्यादा इफेक्टिव है तेरे धक्के से। हाँ किस शिकायत को सुन? हाँ वर्किंग हो गया, हो गया, हो गया, इट्स वर्किंग। हमारा नान अकेला ही काफी है, 150 किलो। फाइनली शायद बर्फ खा भी सकते हैं। हाँ जी खा लूं। इतनी ठंडी बर्फ, बर्फ ठंडी होती है।
अभी मोटरवे छोड़ के हम जीटी रोड से जा रहे हैं। नहीं जीटी रोड छोड़ के मोटरवे जा रहे हैं। नहीं सॉरी, हाँ जीटी रोड छोड़ के मोटरवे से जा रहे हैं। ये ट्रैक आसान है? जी जी बिल्कुल इजी है, हमें 30 से 35 मिनट लगते हैं, आप लोगों को तकरीबन घंटा सही है। चलो लेकिन जो व्यू है ना वो बस ठीक है। बैक सीट पे ये क्या खुबानी? अच्छा कल वाली ड्राइव रिकॉर्ड लेके चलो जी। वासी भाई ये डेयरी में लेके माउंटेन में ना, ये है क्या? में जब आप जाते हैं तो आप खा लेने तो टेस्ट चेक कर ले, मीठा हो जाए ना, नहीं कुछ गर्म हो जाए। शादी शुदा तो नहीं है ना? आ, फिर ये खा ले सही है। खुला नहीं नहीं अनान। हाँ अरिशोर जाना है? हाँ स्टीप तो है लेकिन उतना नहीं है जितना पीछे वाला पहाड़ था। हनान के बनाए हुए कदमों पे चल रहा हूँ मैं तो। जब भी मैं नॉर्थ आता हूँ ना और इस तरह की ट्रैकिंग करनी पड़ती है मुझे, सारे खाए हुए माइटी पिज़्ज़े बर्गर गालियाँ देता हूँ कि क्यों खाया मैंने, ना खाया होता ना मैं लगो ऑन स्टेमिना होता। कौन ही रहता होगा इधर? कोई रहता है इधर? ये शेफर्ड हाउस है। अच्छा अभी इधर अंदर घास शास हो गए इनके पास ना, विंटर्स में गाय बकरियों के रखते हैं स्टोर करके। एज लॉन्ग एज द वॉक इज स्ट्रेट आई एम वेरी ओके विद इट। जहाँ पे स्टीप होना शुरू हुआ हो जानी द व्यूज आर मैजेस्टिक यार। अभी से ना ओए ओ तेरी व्हाई इज इट सो स्लीपरी, ज्यादा लगी यही मैं सोच रहा कि तू जिस पॉइंट में गिरा है। ओए व्हाट हैपेंड? अगर कैमरा था गिर गया यार, जाना था। ओके इमरान भाई अगर गिर सकते हैं ना। मैं तो थक गई रे भाई साहब, स्टीप नहीं है वो टेढ़ा है, ये भी स्टीप ही है। असी के टू चढ़ना सी, हाथ की हालत देखें इट्स फुली रेड और ये खुद काम पर है क्योंकि जब भी कहने लगता हूँ आई ट्राई टू ग्रैब द स्नो। ओके हाँ नहीं सिगरेट का मसला नहीं है, सिगरेट तो कभी नहीं पिया लेकिन चलने का मसला नहीं है, लेकिन जो अनबैलेंस हो रहा है ना वो बैलेंस नहीं हो रहा। वो 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 कुछ नहीं होगा। कहाँ जाना है? इधर उधर कूद कूद साले का भाई। जब भी गिरने लगता ना तो हाथ जब बर्फ़ में जाता है तो इस वक्त ये कुछ नहीं है, लाइक यहाँ से आगे मुझे कुछ फील नहीं आ रहा, तो मुझसे मतलब प्लीज़ ये मेरा हाथ जेब में डाल दें। ओए ओए कांट फील एनीथिंग। उन्हें मसला ये नहीं है कि अभी जो सब कुछ हुआ सही ओके द व्यू इज़ गोना वर्थ इट, द व्यू इज़ गोना वर्थ इट, बट ये सारा वापस भी जाना है मुझे ये सोच सोच के होल पड़े हैं कि आई थिंक 40 मिनट से तो वॉक कर रहे हैं रमजान भाई। यस जूतों के अंदर तक बर्फ़ के चले गए और पाँव भी अब जमना शुरू हो गया। फीलिंग ऑफ एन अचीवमेंट, पहुँच गए हम, वो बाकी बॉयज खड़े हैं, दे आर अनलॉकिंग द ड्रोन क्योंकि एयरपोर्ट पास है।
थोड़े खड़े होने की जगह तो बनाऊं। वो इतनी दूर जाना था, ड्रोन शॉट्स के चक्करों में इतना भागा हूँ, इतना सांस रास्ते में डंडे यहाँ चढ़ गया। शॉर्ट देखे आपने, जितनी बर्फ है मेरे ख्याल तो कोई बैठने की जगह भी नहीं होगी, तो बैठे किधर, इतना चल के आया हूँ मैं। बैटरीज भी चेंज करनी है और लेंस भी चेंज करना है। वो फूल कैसे गिर? हम निकलने लगे थे लेकिन आई फॉरगॉट कि मैंने आप लोगों को तो व्यू दिखाया नहीं कि इतना पहाड़ सर करके हम आए किस व्यू के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग यू द ब्यूटीफुल स्काई दो। सामने सारी हमारी कराकरम रेंज है, ये इंडस रिवर जा रहा है, दिस इज़ द वैली, दिस इज़ चूंदा एंड दिस इज़ हिमालय। सीन ये है कि शाम हो रही है और सूरज भी जा चुका है और टेम्परेचर इतना हो रहा है कि फ्रीजिंग डेट्स एंड। तो आई थिंक वी शुड रेस्ट डाउन। सब्सक्राइब। सो बी मिना, सो बी मिना, मेरे लिए भाईजान ये केटू ही समिटू। अल्हम्दुलिल्लाह, ट्रैक वाज वेरी डिफिकल्ट बट वी मेड इट। मिले तो भाई ये K2 बेस कैंप ही सबमिट करना था क्योंकि नो घोड़े नो नथिंग, इतनी मतलब एक ऑब्वियसली एक नॉन ट्रैकर के लिए, एक पंजाबी के लिए, बर्गर इंसान के लिए ये तो बहुत मुश्किल ट्रैक था। अरे फाइनली मेड इट और इतना मज़ा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू, डू सब्सक्राइब। हमें 6 मिनट का कैसे भागे जा रहे हैं भाई? ऑर्डर्स इनके 6 हमारे 20 भाई। नीचे हमने जाना है, जूतों के अंदर तक बर्फ जमी हुई है। ये शीशा है, इस तरह जाएं। ये पानी क्यों खुला हुआ है? पानी क्यों खुला हुआ है? तो मैंने सुना था कि अगर पानी बंद करो तो पानी टूटियों में जम जाता है। जी जम जाते हैं, बर्फ बन जाती है। चक्कर है, फुल स्लिपरी, तिलकम तिलकी। हाँ जूते से नहीं उतरे, तस्मा जम गया। हीटर एक काम करता है, पेंट खींच जा कड़ी भी है। क्या वो पेंट अकड़ी भी है? खींचो। मैंने अपने दोस्त की पेंट उतारी। पिया नहीं वहां पे, चॉकलेट ले भाई, मैं गाड़ी में जा रहा हूं। चला गया, चला गया। क्या सेटेलाइट?